दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी स्वागत है एक बार फिर आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे छठे घर में ग्रहों का फल किस तरीके का आपको रिजल्ट देगा जीवन में, इसके बारे में हमने बात की थी। छठे घर का डिफरेंट भावों में क्या फल होता है। छठे घर में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो उसका एक ऋण बन जाता है व्यक्ति को, पर याद रखना डेप्ट हो जाता है, पेंडिंग कर्म भी हो जाता है। और छठे घर ही आपको नौकरी देने की क्षमता रखता है। छठा घर भी बहुत ऊंचाइयाँ देता है। छठा, दसवा, तीसरा घर ये बहुत ऊंचाइयाँ देने की क्षमता रखते हैं व्यक्ति को, बट इनके कुछ रूल्स फंडामेंटल्स होते हैं वो आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। देखिए, छठे घर में अगर आपका, मान के चलिए सूर्य से चालू करते हैं, सूर्य बैठा है ना किसी का, तो ऐसे व्यक्ति का एक डेप्ट तो बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति की फादर से भी थोड़ी बहुत झगड़े वगैरह मैंने देखे छठे घर के सूर्य वाले के, एलिगेशन भी लगते हुए देखे हैं। और यही सूर्य ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी देता हुआ देखा गया छठे घर का। आंखों से रिलेटेड परेशानी आती आती है या पेट से रिगार्डिंग परेशानी ऐसे व्यक्ति को आप देख लेना, मिलेगी मिलेगी। छठे घर में जिसका सूर्य होगा दोस्तों, नो डाउट ऐसे व्यक्ति का एक ऋण बन जाता है, पिता ऋण। वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, पिता ऋण जो बन जाता है, पिता ऋण इस तरीके से बन जाता है, या तो व्यक्ति कुछ पिछले जन्म से कैरी करके आ रहा है अपने, यू नो, फादर की चीज़ें जिसको इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड आगे करनी है, या कह सकते हैं इस जन्म में उस डेप्ट को पूरा कंप्लीट करना है। अब किसी के चंद्रमा में बैठा है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे व्यक्ति का मात्र ऋण बन सकता है चंद्रमा जिसका छठे घर में होगा। ऐसे व्यक्ति को लिक्विड मनी की प्रॉब्लम फेस करते हुए आप देख लेना हमेशा, कैसे ऐसे व्यक्ति के हाथ में टिकेगा नहीं। छठे घर में जिसका चंद्रमा होगा, ऐसा व्यक्ति हृदय रोग से, जुकाम, सर्दी जुकाम से बहुत परेशान आपको दिखेगा दिखेगा, और कफ एंड कोल्ड और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी ग्रसित देखा गया है। छठे घर में जिसका चंद्रमा होगा, ऐसे व्यक्ति के पास लोग पैसा मांगने भी बहुत आते हैं, कैश दे दो, मैंने देखा है। छठे घर में जिसका चंद्रमा होगा ना दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की माता को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी रहती है स्वास्थ्य संबंधित। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा अपना क्या बिजनेस भी करेगा, जॉब करेगा ना, सर्विस कोई भी, तो उसमें एक फिक्स्ड वो नहीं होगी, स्टेबिलिटी अप एंड डाउन बहुत होंगे। सूर्य वाला तो सरकारी नौकरी में देखा गया छठे घर का, पर अगर प्राइवेट नौकरी में भी होगा ना तो वहाँ पर उसको रिकॉग्निशन मिलने से कोई रोक नहीं सकता। पर हाँ, अगर सूर्य छठे घर में शनि राहु केतु के साथ आ जाए ना, तो थोड़ा बहुत आपको मैं सावधानी रखने बोलूँगा जॉब में, कोई ऐसे काम मत करना जिससे आपसे एलिगेशन लग जाए। यहाँ पर अब किसी का मंगल बैठा है तो भाइयों का ऋण बन जाएगा आपके ऊपर, आपको इस भाई आपसे मदद लेंगे, भाई आपका पैसा लेके भी भाग सकते हैं, या भाइयों को आपका ऋण कंप्लीट करना, आपको ऋण उनका कंप्लीट करना पड़ेगा। भाइयों से झगड़े देखे गए, भाइयों की वजह से जमीन को लेकर लड़ाइयाँ देखी गई हैं। और छठे घर में मंगल जो होता है, ऐसे व्यक्ति दुश्मनों के लिए बहुत हावी रहते हैं, लड़ने के लिए हमेशा ऐसे व्यक्ति दूसरे के लिए तैयार रहेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र भी होगा ना छठे घर का मंगल वाला, उस मित्र के लिए जान दे सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकली चीज़ को देखी है। छठे घर का जिसका मंगल होगा दोस्तों, ऐसे व्यक्ति पे कर्जा जरूर बन जाता है, क्योंकि छठे घर के कारक तत्व है ना, वो मंगल को भी प्राप्त है। छठे घर में जिसका मंगल आएगा ना, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत अपने ब्लड वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है कि गैस्ट्रिक इशूज देखे गए हैं, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं बट मैं आपको बता रहा हूँ। बुध किसी का छठे घर में, तो ऐसे व्यक्ति को ना वाणी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन इशूज़ देखे गए हैं। छठे घर में जिसका बुध होगा, ऐसे व्यक्ति को नर्वस डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। छठे घर में जिसका बुध होगा, ऐसा व्यक्ति बिजनेस में देखा गया है, ऐसा बिजनेस जिसमें वो सर्विस प्रोवाइड कराता है, डेफिनेटली हर चीज़ में सर्विस प्रोवाइड कराता है इंसान। और छठे घर का जिसका मरकरी होगा ना, ऐसे व्यक्ति एजुकेशनल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अच्छा एक लीडर देखा गया है छठे घर का जिसका मरकरी होगा। छठे घर में मरकरी उच्च का माना जाता है, क्योंकि स्वयं की खुद राशि कन्या में माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति मैनेजमेंट में बहुत अच्छा करते हैं। जो लोग बड़े बड़े वो होते हैं ना एमबीए करके, बैंकर्स, छठे घर के मरकरी वाले देखे हैं। बहन या बुआ से कुछ ना कुछ उनको परेशानी रहती है छठे घर के मरकरी वाले को, मैंने देखा है। और अगर यहाँ पर हम मान के चलिए शनि आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस में होगा, ठीक है। छठे घर का शनि बहुत सर्विस में रगड़ता है व्यक्ति को। छठे घर का जिसका शनि होगा, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में पेंस बहुत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी जॉब को लेकर अनसेटिस्फाइड रहेगा, दुखी रहेगा, रोएगा भी ऐसे ऐसे समय पर। छठे घर का जिसका शनि होगा, ऐसे व्यक्ति की चोरी भी होती हैं चीज़ें, जूते चप्पल देख लेना। और छठे घर का जिसका शनि होगा, ऐसे व्यक्ति से गरीब लोग बहुत मदद लेने के लिए आते हैं, और इनको वो मौका भी मिलता है, बस उस मौके को कभी मत गवाना, उनको सताना मत, वरना आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी का, मान के चलिए शुक्र आ गया, तो ऐसे व्यक्ति का एक ऋण बन जाता है किसका, वाइफ का। और ऐसे व्यक्ति को फीमेल से थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फीमेल से एलिगेशन लगने के बहुत चांसेस रहते हैं छठे घर के शुक्र को। छठे घर का शुक्र जब भी होगा दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति को मैरिटल डिस्प्यूट्स भी देखे गए हैं। वेल्थ आती है ऐसे व्यक्ति पे, बहुत वेल्थ कमाता है ऐसा व्यक्ति छठे घर का शुक्र वाला। अगर मंगल राहु के साथ बैठ जाए तो बहुत पैसा कमाता है, बट ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत मधुमेह या फिर कह सकते हैं डायबिटीज़ के रोग से परेशानी देखी गई है। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कि
यहाँ पर अगर आपने पाया जुपिटर, तो ऐसा व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन में देखे गए हैं। लीडर, गाइडर, मोटिवेशनल स्पीकर भी छठे घर के गुरु बनाता है। छठे घर का गुरु जिसका होगा, उसको लीवर, स्टोमक से रिलेटेड परेशानी अधिकतर देखी गई है। ये नहीं होगा तो आपको अपने गुरुओं का डेप्थ पूरा करना है इस जन्म में। आपके ऐसे छठे घर के गुरुओं को मैंने, जिसका जुपिटर सिक्स था उसमें होता है, ऐसे व्यक्ति के पास परेशानी बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है। वो परेशानी हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कई बार होने के लिए वो रुक जाती है, बट छठे घर का गुरु वालों पर परेशानी बहुत आती है। इन लोगों को फेस चैलेंजेस करने पड़ते हैं अपनी सर्विस में भी हर तरीके से, और जिस सर्विस में लेंगे लोग इनसे सलाह लेने भी आएंगे, और इनकी अपने बड़े लीडर, अपने बड़े गुरुओं से लड़ाई होती हुई भी देखी गई है, अगर ये नेगेटिव हो जाए जुपिटर थोड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर किसी का राहु केतु बैठा था, कि राहु छठे घर में पाप ऑफ ग्रह थोड़ा शुभ रिजल्ट देते हुए देखे गए। छठे घर में राहु ऊंचाइयाँ देता है नो डाउट, पर शत्रु भी बहुत देता है, और शत्रुओं से बाहर भी निकल जाता है व्यक्ति। ये राहु छठे घर में रातों रात अमीर बनाने की ताकत रखता है, व्यक्ति को याद रखना। छठे घर का जिसका राहु होगा, ऐसा व्यक्ति पैसा बनाने की बहुत उसमें क्षमता होती है, ठीक है। केतु अगर यहाँ पर आ जाए ना, ऐसे व्यक्ति नो डाउट थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज फेस करता है लाइफ में, बहुत बड़े बड़े रोग भी ऐसे व्यक्ति को केतु यहाँ पर दे देता है। बट ऐसे व्यक्ति ना डॉक्टर्स फील्ड में भी देखे गए हैं, साइंटिस्ट भी देखे गए हैं। छठे घर का जो केतु होगा ना दोस्तों, ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, प्रैक्टिकली देखा है। केतु मंगल के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर, मैं और पार्ट्स बनाऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।